بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. وعن ابي امامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن ادم انك ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك. वाल तलाम अला कफाफ बीमन तऊल रवामिजी वक़ाला हसन उन हज़रत अबू अमामा रदी से रिवायत है के रसूल सल्हसम ने फ़रमाया ए आदम के बेटे अगर तू जायद माल खर्च करेगा तो तेरे लिए बेहतर है और अगर तो इसको रोकेगा तो तेरे लिए बुरी बात है और तुझे मलामत नहीं की जाएगी बकद्र ज़रूरत माल रखने पर और इन लोगों से इब्तदा कर जो तेरे अहलो अयाल हैं तिरमिजी ने कहा यह हदीस हसन सही है इस हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आदम के बेटे तू जायद माल खर्च करे तो ये तेरे लिए बेहतर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरत से जायद माल को ख़र्च करने की इतनी बार तरगीब दी के बाद सहाबा इकराम को ये ख्याल होने लगा कि आदमी को अपनी जरूरत से ज्यादा चीज रखने का हक ही नहीं तो अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआलाहु फरमाते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में जा रहे थे कि एक शख्स अपनी ऊंटनी को कभी इधर और कभी उधर ले जाते थे इसको देखकर आपने इरशाद फरमाया जिस शख्स के पास सवारी زائد हो वो इसको दे दे वो इसको दे दे जिसके पास सवारी नहीं और जिसके पास तोशा जायद हो यानी खाने पीने की चीजें जायद हो, तो वो इसको दे दे जिसके पास नहीं है और आपने एक एक चीज का इसी तरह जिक्र फरमाया तो साहब सहबराम फरमाते हैं कि हमें ये गुमान होने लगा कि आदमी का अपनी ज़रूरत से कोई चीज़ जो ज़रूरत से जायद हो उस पर आदमी का कोई हक नहीं तो आप सल्ला वम ने फिर फरमाया वूल यानि इन लोगों से इब्तदा करो जो तुम्हारे अहलोल है और एक रिवायत में ये आता है कि एक दिरहम तो ग़ुलाम को आज़ाद करने में ख़र्च करें और एक दिरहम तो किसी फ़कीर को दे और एक दिरहम अपने अहल आयाल पर ख़र्च करें तो इन में सबसे अफजल यही है जो अपने अहलोयाल पर खर्च करे एक दूसरी हदीस में ये भी है ख़र्च करने की तरगीब में कि सबसे पहले आदमी अपने ऊपर फिर अहलोयाल फिर रिश्तेदार फिर इससे भी जायद हो तो फिर इधर उधर खर्च करे तो इससे मालूम हुआ कि अपने पास जो माल ज़्यादा मौजूद हो उसको संभाल संभाल कर नहीं रखना चाहिए बल्कि उसको खर्च कर देना चाहिए और ये तला की कितनी बड़ी नेमत है कि अगर हम उसको अपने घर वालों पर ख़र्च करेंगे तब भी हमें अजर सवाब मिलेगा अन उबैदिल्ला बिन महतार्लासूल सल्लास

और इसके जिसम में सेहत मौजूद हो और इसके पास एक दिन की खुराक मौजूद है तो गोया के तमाम की तमाम दुनिया इसको दे दी गई और तिरमी ने कहा यह हदीस हसन है सिर सीन के जेर के साथ इसके माना जान या कौम के हैं सिर्फ जो है ये हिरनों के रेवड़ को या परिंदों के एक टोला होता है उसको भी सिर्फ कहते हैं इसके अलावा खजूरों का जो दरख्तों का झुंड होता है या रास्ता या दिल इन सारों के लिए सिर्फ का लफ्ज़ सिर्फ का जो है ये माना इन सब में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन असबहा यानी जिसने सुबह की यानी जिसने सुबह की इस हालत में कि अपनी जान के लिहाज से वो अमन में हो तो मतलब ये कि इसको किसी दुश्मन की तरफ से किसी नुकसान और किसी जरर का कोई अंदेशा ना हो और बाज लोगों ने इसका मतलब ये भी बयान फरमाया कि इसको बुरे माहौल से बचने और अपनी गलतियों पर खुदा से तोबा करने की वजह से इन का खौफ ना हो। राग के जज्ब के, के साथ बमाना नफ़्स नफ़्स रास्ता दिल कुछ भी इसका मतलब हो सकता है और यहाँ पर सभी माने मुराद हो सकते हैं तो मतलब यह है कि जो आदमी सुबह करे इस हाल में इसको इन जो हमने पहले चीज़ें बयान की यानी रास्ता दिल या नफ्स वग़ैरह तो इन चीज़ों के बारे में किसी किस्म के नुकसान और ज़र्र का खौफ और खर्चा ना हो और बाज ये कहते हैं कि सिर्फ की बजाय सराबुन यानी सीन और रात दोनों के ज़बर के साथ है बमाना बिल या सुराख। तो इस सूरत में मतलब ये होगा कि वो सुबह करे इस हाल में कि इसके घर की बिलों और सुराखों में बसने वाले चूहों लोमरी और कोई भी तकलीफ़ देने वाले जानवर हैं उससे इसको अमन हासिल हो तो खुलासा ये हुआ कि आदमी को अमन और सेहत के साथ रोजी की भी आफियत वाली रोज़ी भी उसको मैसर आ जाए तो गोया कि इसको तो सारी दुनिया ही मिल गई अगर अमन या सेहत ना हो तो फिर दुनिया भर के ख़जाने भी इस आदमी के लिए बेकार हैं क्योंकि ये दौलत ना इसको अमन फराहम कर सकती है और ना इसको सेहत अता कर सकती है वन अब्दुल्ला बिन आमरबिन

वो शख्स कामयाब हो गया जिसने इस्लाम कबूल कर लिया और इसका रिस्क बदरे और इसका रिस्क ज़रूरत के मुताबिक है और अल्लाह पाक ने इसको जो माल दिया है इस पर इसे कनात की नेमत से नवाजा कन न आ राज़ी करना कन ना अलमर आ यानी औरत को ओढ़नी ओढ़ाना कानी आ कन अन कनाआत अन कन आन बाप सामिया से, यानि जो कुछ हिस्से में आए इस पर सब्र करना आप वसल्लम ने फरमाया कद अफलाह हदीस में फलाह का लफ्ज़ बकसरत इस्तेमाल होता है और इस फलाह के मानी आदमी को मुराद हासिल हो जाना है यानी हर तकलीफ़ इससे दूर हो जाए और ये फरमाते हैं कि बहुत ही जामे ये लफ्ज़ है क्योंकि आदमी की हर मुराद पूरी हो जाए हर तकलीफ़ दूर हो जाए दुनिया में किसी बड़े से बड़े इंसान के बस में ये नहीं खा वो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह ही क्यों ना हो तो इन सिफात वालों को हदीस में फरमाया जा रहा है कि इनको तो फलाह कामिल यानी जन्नत में ही नसीब होगी मगर यहाँ पर फलाह का जो साया है अक्स है जितना कि दुनिया में मिल सकता है वो इनको मिल जाएगा इस हदीस में तीन सिफात बयान की जा रही हैं जिन पर फलाह यानी कामयाबी दुनिया और आखरत की बयान की गई पहली सिर्फ इस्लाम की हिदायत मिली कि अल्लाह ने इसका सीना दीन इस्लाम के लिए खोल दिया इसको इसने पहले इख्तियार किया फिर इसके मुताबिक अमल किया दूसरे सिर्फ कफाफन बकद्र कफ़ायत रोज़ी मुयसर आई जिससे इसका गुजारा चल जाए और इस पर वो राजी और खुश है इसके जमा करने की इसको कोई हिर्स नहीं तीसरी वक़न्मा आता यानी जो कुछ अल्लाह अल्लाज शाहनू ने इसको अता फ़रमाया इस पर कनात किए हुए है किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं करता यानी वो हरीस नहीं तो अल्लाह ताला ने उसको कनायत के सबब उसको हिरस से बचा लिया तो इस हदीस में इस्लाम की नेबत के बाद कनात की तालीम दी जा रही है कि कनात हासिल होगी तो आदमी आखरत की अच्छी तरह से तैयारी कर सकेगा और अगर उसके पास कनात नहीं होगी तो वो दुनिया इकट्ठा करने में लग जाएगा और अपनी आख़रत का नुकसान करेगा व अन अबी मुहमद फ़जा बिन उबैद अंसारी रदी तो बालिमन हदिया अल इस्सलाम वाइशु कफ़ाफ़ान रवााह तिरमिजी वाल हदीसन हसन उन हज़रत अबू मोहम्मद फज़ाला बिन उबैदारी से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्हस को फरमाते हुए सुना इस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसे इस्लाम की हिदायत दे दी गई और जिसकी गुजरान बकद्र किफ़ायत हो और कनायत पर बसर हो तूबा तूबा के से मुराद रश्क है या सदत या खैर बेहतरी और ये तोबा या तीबू यानी जोराबा यज़रिबू से आता है तो इसका मसदर तयबन व तई बतन व ततयाबन यानी मज़ेदार मीठा उम्दा इसका तर्जमा होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबा लिमन हुदिया इलाल इस्लाम यानी इसके दो माने आप फरमाया कि जिसको इस्लाम इस्ला जिसको इस्लाम की तोफ़ी कता फरमा दी गई तो उस शख्स के लिए मुबारकबादी है और फिर फरमाया और बद्र किफ़ायत उसको रोज़ी भी मिल गई और इसकी रोज़ी पर उसने किनायात भी किया तो इसको यक़ीन हो गया कि रिस्क तो मिन बिल्ला मुकद्दर है इस पर इसने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया और एक दूसरी रिवायत में नबी करीम सल वम का ने नकल किया गया क्या आपने फरमाया कि मुत्तकी बन जाओ सबसे बड़े इबादत करने वाले बन जाओगे कम से कम मिकदार पर कनात करने वाले बन जाओ तो सबसे ज़्यादा शुक्र गुजार हो जाओगे और एक हदीस मरशाद है कि क़्यामत के दिन कोई शख्स गरीब हो या अमीर ऐसा ना होगा जो इसकी तमन्ना न करता हो कि काश दुनिया में इसको सिर्फ ज़रूरत के दर्जे की रोज़ी मिलती इससे ज़्यादा उसे मिलती ही ना यानी बद्र किफाफ़ वाली रोज़ी का जब वो अजर देखेगा तो वो कहेगा कि मुझे बस इतनी ही रोज़ी बेहतर थी जो ज़्यादा मिली उस ज़्यादा की वजह से मुझे हिसाब किताब की जो मुशक्त परेशानियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी या उनकी वजह से जो मेरी आखरत का नुकसान हुआ तो हर शख्स तमन्ना करेगा काश कि मुझे ऐसी ज़्यादती वाली रोज़ी ना मिलती इस हदीस के जो रावी हैं यानी अबू मोहम्मद फजाला इनका नाम फजाला और इनकी कुनियत अबू मोहम्मद है इनके वालिद का नाम उबैद बिन नाफिज था और इनकी वालदा का नाम उकबा बिन मोहम्मद बिन अकबा था हज़रत फजाला मदीना मुनवरा में आने के साथ ही मुसलमान हो गए गजवा बदर के अलावा तमाम गज़वात में इन्होंने शिरकत की बेत रिजवान में शिरकत का शर्फ़ भी इनको हासिल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत फजाला शाम तशरीफ ले गए वहाँ पर खुद मकान बनाया था या शायद हज़रत अमीर माविया रज़ी ने, ने बना कर दिया हजरत अबू दरदा दमिश के काजी थे इंतकाल से पहले उन्होंने फरमाया कि मेरे बाद बिन उबैद को काजी बनाया कनाजी बनाया जाए तो लोग उनके पास दूर दूर से हदीस रसूल सुनने के लिए आते एक दिन एक आदमी इनसे हदीस सुनने आया तो उसने देखा कि यह परागंदा सर और बरहना पाऊँ है तो उसने ताजुब में पूछा कि आप अमीर शहर हैं और यह हालत है तो उन्होंने फरमाया कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा तन आसानी और बनाओ सिंगार से मना फरमाया था कभी कभी नंगे पाँव रहने को भी फरमाया इनकी वफ़ात तिरपन हिजरी में अमीर माविया रज़ी तैन के दौर में हुई दमिश्क में आज तक इनकी कबर मौजूद है और इनसे पचास रिवायात मनकूल है

जबकि आम तौर पर इनकी खुराक खुराको शिरी यानी जौ की रोटी हुआ करती थी इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुराक के बारे में बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना किस कदर सादा होता बल्कि वो भी पेट भरकर नसीब ना होता तो इसमें बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से कितना बेरगबत होकर जिंदगी बसर करते थे व अन फजाला बिन उबैद रदी अन्ना रसूल सलान बिन नास यिन काम फिस वहफा हतुलराब हाउ मजानी فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لا لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة رواه الترمذي وقال حديث صحيح القصاصة الفاقة والجوع الشديد هزت فزعلة بن عبيد رضي الله عنه لبعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم जब लोगों को नमाज पढ़ाते तो सफ़ में खड़े बाज लोग भूख की शिद्दत से गिर पड़ते थे और ये सहाबे थे यहाँ तक के देहाती लोग कहते कि ये पागल हैं बस जब, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होते तो इनकी तरफ मुतव होकर फरमाते अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि शाह तुम्हारे लिए क्या है तो तुम इस बात को पसंद करो कि तुम इससे ज्यादा हाजत और फाके में मुब्तला हो तिरमजी यह हदीस सही है खसासा फाके और भूख को कहते हैं भूख और फाका जो है ये एक तरह की नेमत है बशर्त कोई इसकी क़दर करे और इसको जान ले जैसा कि एक रिवायत में आप ने हज़रत आयशा रजील तखातिब करके फ़रमाया ए आयशा मसाकिन से मोहब्बत रखो और इनको अपने क़रीब करो क्योंकि ऐसा करने से अल्लाह तुझे अपने क़रीब करेगा और एक दूसरी रिवायत में भी आता है कि फुकरा क्यामद के दिन मालदार लोगों से 500 सौ बरस पहले जन्नत में जाएंगे तो यहाँ पर इनकी फजीलतें बयान हुईं तो इससे मालूम हुआ कि फ़कर और फाका जो है ये सिर्फ मुशक्क़त नहीं बल्कि दुनिया के हिसाब से तो यह एक तरह की मुशक्क़त है लेकिन अगर आखरत के एतबार से देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ी नमत है क्योंकि इसकी वजह से अल्लाह तक बता फरमाते हैं और अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने आ, ऐसे शख्स को जन्नत में भी पहले दाखिल फरमाएंगे यानी अगर कोई ने, नेक नेक आदमी है अमीर भी नेक है गरीब भी नेक है दोनों के अमाल बराबर हैं, तो गरीब उस अमीर आदमी से पहले जन्नत में दाखिल होगा तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर हाल में सब्र करने की तोफी का फरमाए और दुनिया की बेसबाती जो है वह हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाए कि हम दुनिया को बकदर ज़रूरत ही चाहें और दुनिया को बकदर ज़रूरत ही रखें इसको अपना मकसद और मंशाना बना लें उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा रहमतुल्लाहि व बरकातहू